शोज हमें बेहद पसंद हैं बिकॉज बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं, राइट ब्लेंड ऑफ ह्यूमन इमोशंस और साथ में ड्रामा भी होता है उसमें और ह्यूमर भी होता है। लेकिन अगर बात करें TVF के ट्रिपलिंग 3 की तो ये हम सबका फेवरेट बना है और आज इसकी जो कास्ट है हमारे साथ मौजूद है, सो मानवी गागरू बोलूँ और साथ में अमोल पराशर बोलूँ या चितवन या चंचल बोलूँ? चंदन और सुमित भी बोल सकते हैं। आजकल आपको लोग इस तरह से पहचान रहे हैं, लोग आपके काम की भी तारीफ कर रहे हैं, सो इस तरह का क्रेज और इस तरह का जो फीडबैक मिल रहा है ट्रिपलिंग 3 को, डिड यू एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ रिस्पांस? आई डिड एक्चुअली विद मैंने जब ट्रिपलिंग 3 देखा था बिफोर रिलीज्ड तो ऐसा ऑब्वियसली रफ कट था एंड यू नो बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छे से नहीं हुआ था, बट यू गॉट अ सेंस ऑफ द शो। और जब मैंने देखा था मैंने जो मेकर्स हैं उनको फोन करके बोला था कि यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, ये तो एंड इट इज आई फेल्ट दैट इट वाज डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टू सीजंस व्हाइल रिटेनिंग द एसेंस ऑफ द शो। मतलब सीजन 1 वाली जो बात है या 2 वाली जो बात है वो रखते हुए इट वाज यू नो देयर वाज अ पंच इन द गट लाइक द होल। इसको भी मैंने आई थिंक आई डोंट डिड आई टेल यू सीजन 1 लोगों को इतना पसंद आया और ये सीजन 3 जो है वो उससे काफी अलग है। इट्स नॉट अ रोड ट्रिप एनीमोर, इट्स अबाउट यू नो डीलिंग विद पेरेंट्स और देयर सेपरेशन, जो कि शायद इंडियन ऑडियंस अभी एक्सेप्ट करने के लिए इस तरह के टॉपिक को शायद तैयार ना हो। दिमाग में डाउट्स आए थे आप दोनों के इस बारे में? I think with this show somehow मुझे कॉन्फिडेंस रहता है थोड़ा as compared to any other show or any other thing, and this is not because of what I believe but because मैंने देखा है उस शो को कुछ मैजिक करते हुए। फर्स्ट सीजन में जब आया था 2016 में आया था उस टाइम में भी बहुत चीज़ें थी जो जिसपे सेम थॉट आ सकता था कि राजस्थान के रजवाड़े में किसी ने आके माधवा का सॉन्ग बजा दिया या लास्ट एपिसोड्स में पापा के साथ बैठ के सब ड्रिंक पी रहे हैं सिगरेट पी रहे हैं या पूरी फैमिली बैठ के ब्राउनीज खा रही है और बात पे रोड ट्रिप कर रहे हैं, तो ये मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक आवाज़ थी, मुझे लगा ये थोड़ा ज़्यादा पुश तो नहीं कर रहे क्योंकि पुश करना भी कितना पुश करना होता है आपको पता नहीं। यू वांट टू पुश सम बैरियर्स एंड यू वांट टू डू न्यू थिंग्स बट फॉर द राइट रीजंस ऑफ कोर्स। तो बट मैंने देखा है इस शो को कुछ चीज़ें बहुत ईजिली और बहुत स्मूथली और बहुत कॉन्फिडेंटली करते हुए और लोगों को उस चीज को बहुत स्मूथली एक्सेप्ट करते हुए और एंजॉय करते हुए और उसी चीज को अप्रिशिएट करते हुए कि यार वाह ये आपने मतलब जो चीजें मतलब यार ये क्या है वो ये बिगेस्ट चीजें हैं उस सीजन की, फर्स्ट सीजन की दैट सीन डीजे वाला सीन या लास्ट एपिसोड का फैमिली में साथ में चिल करना, तो लोगों के लिए वो एक एस्पिरेशन क्वालिटी है कि हाँ यार और इमोशन तो सही है कि क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं करते हम, बिकॉज हमने ये बाउंड्रीज खुद बना ली है। That's what the show questions. First season में वो भाई बोलता है, अरे तुम क्या भाई बहन क्या relationship और sex की बातें कर रहे हो? But then realize through humor कि हाँ मतलब actually में this is just a mental block. So I think there are a lot of these mental social blocks that this show without looking like कि हम कोशिश कर रहे हैं इस show को कुछ करने की करता है बहुत ही because वो show ऐसा because वो natural show के soul में ही progressiveness है। तो ऐसा मुझे लगता है कि यार ये जबरदस्ती हमको स्कैंडलाइज करने के लिए या सेंसेशनलाइज करने के लिए चीजें कर रहे हैं, उस शो में अगर आप घुस जाते हो तो हां यार नेचुरल है ये तो, हां सब सही है, सही लग रहा है आपको, वो शो देखते हुए आपको सब सही लग रहा है बिकॉज दैट शो एंड द पीपल इन द शो आर नॉट क्वेश्चनिंग व्हाट इज हैपनिंग एट ऑल। And I think that's the reason कि release होने के कुछ ही देर में 5 crore plus viewing minutes तो हमने वो तो सीजन 1 से हमारे पेरेंट्स का किरदार कर रहे हैं,
तो एंड वी ऑल्सो आई थिंक आई मीन मोस्ट ऑफ अस हम प्रिटी मच एक ही थिएटर बैकग्राउंड के हैं तो हम जानते थे एक दूसरे को अगर काम भी नहीं किया था तो शोनास के साथ मैंने काम किया था कुमुद जी के साथ मैंने काम नहीं किया था बट आई न्यू हिम तो हम सुमित जी के साथ मैंने काम किया सुमित को तो हम एनीवे हम तीनों ने तीनों ने साथ किया है तीनों साथ में हम किया है मतलब ट्रिपलिंग टू इज नॉट डबलिंग राइट नाउ तो हमें लग रहा है चीट कर रहे हैं सुमित का राइट या तो हमने भी प्ले किया था एक साल वो सो वी काइंड ऑफ न्यू ईच अदर बट ऑफ कोर्स लाइक यू सेड वो मतलब ऐसे दिग्गज एक्टर्स हैं दोनों एंड वेरी डिफरेंट आल्सो फ्रॉम ईच अदर बट दोनों इतने इतनी ही ज्यादा उनका जो कमांड है ऑन द क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग इज सो स्ट्रांग एंड यू गेट टू लर्न फ्रॉम देम यार लाइक उनके दोनों के अलग अलग तरीके हैं दे आर बोथ सो नेचुरल एट व्हाट दे डू एंड सो गुड एट व्हाट दे डू तो आपको सीखने को ही मिलता है और अच्छा सीखने की आपने बात करी थी हमारी तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने एक दूसरे से क्या सीखा व्हाट डिड यू लर्न लाइक गुड हैबिट एंड वन अनॉइंग हैबिट आल्सो तो बताओ क्या क्या सीखा एक चीज बता दो एक अच्छी और एक बुरी बुरी मतलब बुरी मतलब बुरी मैं बता सकती हूँ क्या ही बता क्या ही क्या आपको पता है कि क्या होने वाला है कौन क्या करने वाला है और अगर नहीं भी पता है तो आपको कॉन्फिडेंस है कि कुछ गड़बड़ नहीं होगा क्योंकि इस ऑलमोस्ट भी बहुत होते हैं इंप्रोवाइज हो जाता है मैं मुझसे उतना नहीं होता बट ये दोनों ये सुमित और अमोल बहुत इंप्रोवाइज करते हैं मुझसे नहीं मुझे हाँ मुझसे नहीं होता मैं इनको बताती हूँ मुझे तुम लोग ये जोक मार सकते हो ये कर लो वो कर लो बट अपने लिए नहीं करता मतलब यू कैन रिएक्ट टू इट मतलब वो कॉन्फिडेंस में क्या अगर मैं कुछ इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा भी मारूंगा सामने वाला बॉल पकड़ लेगा गिरने नहीं देगा सो आई थिंक दैट इज अ कॉन्फिडेंस दैट वी हैव कि ऐसा बात करते करते भी और बहुत बार ऐसा होता है कि हम बात कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं वाह ये वो चाय पी ली कॉफी पी ली एक्शन हाँ this team वो जो कंफर्ट है ना यार वी आई मीन आई डोंट नो इफ इट्स इफ यू कैन आर्टिकुलेट इट वेल इनफ इन इफ वी कैन बट इट्स जस्ट इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड द मिनट यू कम ऑन अ सेट वेयर यू आर कंफर्टेबल वेयर यू आर जस्ट बी कंफर्टेबल बीइंग योरसेल्फ देन ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा यू नो आपका आप लाइनें भी उतनी अच्छी तरह से कर लोगे एक्टिंग भी हो जाएगी सब कुछ हो जाएगा यू नो बिकॉज लाइक ही सेड कि देयर इज अ सर्टेन कॉन्फिडेंस दैट इननेट कॉन्फिडेंस जो व्हिच कम्स फ्रॉम नोइंग दैट यू आर लव्ड यू नो सो वो है इस सेट पे मानवी आपसे जानना चाहती हूँ मैं कि आपको किसी भी स्क्रिप्ट में कोई भी चाहे वो फिल्म हो या कोई वेब सीरीज हो जब कुछ ऑफर किया जाता है स्क्रिप्ट तो आपको क्या अट्रैक्ट करता है उसमें क्या देखना पसंद करते हैं द लेंथ ऑफ योर कैरेक्टर द स्क्रिप्ट द डायरेक्टर What attracts you? So the first thing that attracts is the paycheck. Right. Also, that's fourth or fifth, but it's there. No, the first thing that attracts is the character, the what, whatever the character that I'm playing. How is it impacting the story? Yeah. Is it even impacting the story? And if it is, then how much and you. Then of course come the other thing and for me also the script has to read like a book you know like if I'm reading and maza aa raha hai mujhe you know ki
बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है कि वो होना है. अदरवाइज लाइक देयर आर टाइम जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो आपको लगता है यार ट्यूसडे को हैव टू गेट बैक, खत्म ही नहीं हो रही है, यू नो खत्म नहीं है वो. सो दैट इन इटसेल्फ इज अ साइन कि भाई मत करो, यू नो. देन ऑफ कोर्स देयर आर अदर थिंग्स लाइक डायरेक्टर एंड कॉल हु आर द पीपल जो बना रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है कि शायद स्क्रिप्ट इतनी अच्छी ना भी हो बट आपको लगता है मुझे इनके साथ काम करना है बिकॉज यू ऑल्सो नो कि दे मेक समथिंग गुड. स्क्रिप्ट शायद अभी इतनी सॉलिड नहीं है बट हो जाएगा, बन जाएगा. ये वो कास्ट कौन सी है, टेक्नीशियंस कौन कौन है, देन हाँ देन अदर थिंग्स फॉलो. अमोल आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आजकल ओटीटी के आने से ऑडियंसेस की एक्सपेक्टेशंस काफी बदली हैं बिकॉज उनका एक्सपोजर काफी बढ़ा है, बट एज एन एक्टर आप उस एक्सपेक्टेशंस पे कैसे खड़े उतरते हैं, या आपको कुछ प्रेशर फील होता है कि आपको अब एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है बिकॉज ऑडियंस अब सिर्फ यू नो लिमिटेड कॉन्टेंट ही देख रही है. अमोल बराजर आपको प्रेशर फील है? मुझे तो ऐसा अगेन I think I'm in a boastful mood today. Okay. बड़े ऐसा pompous answers दे रहा हूँ मैं. और उसी नोट में मुझे ये अभी जो immediately response आ रहा है वो ये है कि मुझे तो मैं happy हूँ कि audience expect better कर रही है क्योंकि it is people like us who are there on that spectrum or that end of the spectrum. वो expect better करेगी तो हमारे पास आएगी. Probably from what I've learned. Some of us, many of us, I'm not saying कि हम दो तीन चार ही हैं, और 30, 40, 50 actors हैं, but these are the actors I believe are the ones who can deliver the kind of quality that the audience is now beginning to expect, and that only means that all I'm trying to say the taste is getting better. I think we are the better, we are glad that the audience is better dishes to taste. Right. और आपको लेकिन किस तरह के characters या roles challenging लगते हैं? What are you looking forward to? I think anything new, anything that I haven't done before, of course, वो time के साथ काम ही होती जाएगी कुछ चीज़ें भी भाई ऐसा क्या ही नया आएगा जो आप पहले नहीं कर चुके होंगे. अभी तो बहुत कुछ है ऐसा मुझे लगता है. So I keep an eye out for some things that I haven't done before in case because कुछ आता है ऐसा तो मैं उसको ज़्यादा ध्यान से देखता हूँ, ज़्यादा ध्यान से पढ़ता हूँ. But at the same time मैं सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहता कि अच्छा ये मुझे कुछ नया करने को दे रहा है तो मैं कर लेता हूँ. देर हैज टू बी अ क्वालिटी टू द स्क्रिप्ट एंड द प्रोजेक्ट ऑल्सो. तो फॉर मी आई थिंक इट्स नॉवेल्टी, फॉर मी इट इज समथिंग न्यू, समथिंग दैट सरप्राइजेस मी, दैट सरप्राइजेस द ऑडियंस, क्योंकि मैं शायद बोर हो जाता हूँ जल्दी. हाँ, I'm good at this, but मैं यही करता हूँ. And some people are very good at that. And I think they're lucky that they don't get bored. Because they're good at something and they just keep doing it and enjoying it for a long time. मुझे लगता है कि हो गया, अभी मेरे को कुछ तो नया करना है. ये मैंने कर लिया. Right. I want to try something new. अच्छा, हम तो बहुत एंटरटेन हुए हैं ट्रिपलिंग देख के, चाहे वो सीजन 1, 2, 3. व्हाट आई वांट टू नो इज दैट एज यू नो सिनेमा लवर्स, एज आप लोग किस चीज से एंटरटेन होना पसंद करते हैं, किस तरह की वेब सीरीज, कौन सा जॉनर या मूवीज या वेब सीरीज आप देखते हैं टू यू नो एंटरटेन योरसेल्फ? ये मेरा मूड, ऐसे फेजेस आते हैं, मूड्स पे डिपेंड करता है. तो जैसे टिल अबाउट अ फ्यू मंथ्स बैक मैं ट्रू क्राइम में बहुत सारे ट्रू क्राइम शोज देख रही थी, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. But it's also time taking and because you have to be engrossed fully in it. तो जब मेरा वो वाला phase आता है कि जब मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, then I watch a lot of repeat sitcoms that I watched before, जो मैं मतलब वो ऐसा हाँ repeat पे चल रहे हैं पीछे, ambient television, you know, तो वो फिर और क्या, हाँ फिर mood, drama is something that I can watch any time. I love drama, like I love relationship based stories and well done. म्यूजिकल्स कभी कभी मन करता है, स्पोर्ट्स बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज, सब प्रीटी मच एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर हॉरर एंड एक्शन. जॉनर का कुछ नहीं है, मैं देख लेता हूँ सब तरह की चीजें, थोड़ा कम देखता हूँ एज कम्पेयर टू मैं जितना देखना चाहता हूँ.
हैबिट नहीं है मेरा अकेले बैठ के देखने का, अनलेस कुछ सडनली मूड कर गया या कुछ ने बहुत ही ज्यादा रिकमेंड किए। सो वी एज ऑफ नाउ व्हाट आर यू बिंज वाचिंग? ये बिंज वाचिंग में कम कर रहा हूं, वही मैं बोल रहा था, बिकॉज़ आई वॉच मोर मूवीज देन आई वॉच शोज एंड आई हैव समटाइम्स आई गो ऑन अ बिंज वॉच ऑफ फिल्म्स, दो तीन देख ली बैक टू बैक। Been watching all my, many of us have been watching Malayalam films for example because of the pandemic and everything. Yeah. So suddenly access हो गया, awareness हो गया है, and आपको लगी अरे ये क्या बना रहे हैं यार ये लोग, क्या amazing filmें बना रहे हैं, some interesting stories and great actors, great filmmakers, कुछ नया हो रहा है, ऐसा समझ लेते हैं ये तो कुछ नया कर रहे हैं, तो that I have been very attracted. Why not? Of course all the other movies that you keep hearing about and OTT में आप spoil कर रहे हैं आप लोगों को. पकता भी धीरे धीरे, बिकॉज अगेन आई एम रियलाइजिंग पहले भी क्या हुआ है कि होता है हम लोग कहाँ करेंगे करेंगे, फिर एवरीबॉडी गेट्स बिजी एंड यू नो मे बी आई विल बम्प इनटू सुमित एट सम पार्टी और सम दिस थिंग एंड देन सी नो दिस इज नॉट ऐसा कुछ करेंगे ऐसा कुछ करेंगे ऐसा कुछ करेंगे देन मे बी यू नो फील बीट मार मी समवेयर एंड लाइक पता है मैंने ना उसमें अब ऐसा सो यू सी दैट देयर इज सम लुक आउट फॉर व्हाट कैन हैपन इन इन द नेक्स्ट सीजन वेयर कैन दिस स्टोरी गो बिकॉज अब अगेन लिखने भी आओ तो आज ही कुछ लिखना शुरू कर दो बट आई थिंक द गुड थिंग इज दैट he waits and nobody is in a hurry ki ye banana hai and he waits for the right thing to click and the day it clicks and everybody feels it so it's like ha baba aise lag raha hai aur you know arnab will say on tv ki ha ye banate hain tab tak baat chal rahi thi koi banate hain aisa soch raha hu ye sahi lag raha hai 6 mahine 1 saal 2 saal tak chalti hai aisi baat and then suddenly one day everything seems to fall into place this is the thing this is what we want to do now let's get everybody's dates because everybody is busy ek saal ke advance mein sabki dates book ho jati hai thanks and then we you know, hopefully have season 4 sooner than 3 years that's good news ab jaate jaate ek bari punjab ke sri navoday times ke viewers ko bata dijiye ki wo tripling 3 abhi tak agar nahi dekhna start kiya hai to kyun dekhe oh kyun dekhe kahan dekhe to bata main to ready thi bolne ke liye dekhe agar aapne nahi dekha hai oh chaliye one line क्या गारंटी है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है अगर आपने 1 और 2 भी नहीं देखा है तो फिर तो मतलब आप ऐसा करो अभी के अभी देख डालो क्योंकि काफी आई थिंक इंटरेस्टिंग चीज है जो आप मिस कर रहे हैं लाइफ में इफ आई मे से सो होपफुली आप भी देख के यही बोलेंगे और 1-2 देखा है और 3 अभी तक नहीं देखा है टाइम नहीं मिला है तो कोई बात नहीं Z5 पे है पर जल्द से जल्द देख डालिए बिकॉज बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अभी तक एंड व्हिच इज मेकिंग मी कॉन्फिडेंट इनफ टू से प्रमोट द शो राइटिंग को लेके जो कहानी हम कह रहे हैं जो परफॉर्मेंसेज हैं सबकी जो लुक एंड फील म्यूजिक है जो हमेशा इस शो का USP रहा है दैट इज ऑल ऑफ दैट इज बीइंग अप्रिशिएटेड तो ये थी बातचीत अमोल पराशर और मानवी गाबरू के साथ आई होप आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा बहुत बहुत शुक्रिया